आप ध्यान से देखना, इट सेज दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर्स, आपको एच वन 7 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर्स इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कंकेव मिरर। आपको नहीं नहीं बेटा, कंकेव मिरर आपको दिया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 27 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर्स, 18 सेंटीमीटर्स बेटा, फोकल लेंथ पॉजिटिव लें कि नेगेटिव? खुशी पक्का? नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? कौन सा मिरर है भाई? पॉजिटिव ना बेटा, शुड बी नेगेटिव, राइट? देन बेटा सुनो ध्यान से, आगे क्या कहना चाहते हैं एग्जामिनर आपको, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट ए शार्प एंड वेल फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। आपको उन्होंने कहा है कि स्क्रीन कितने डिस्टेंस पे प्लेस करें ताकि आपको क्लियर एंड वेल फोकस्ड इमेज मिल जाए, और आपको क्या कहा गया है, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज आल्सो। इमेज का साइज एच टू कितना होगा एंड इमेज का नेचर कैसा होगा, दिस इज आल्सो बिट रिक्वायर्ड। फॉर्मूला बोलिए बेटा, फॉर्मूला बेटे, जो कंसर्न मेडिकल है इसके साथ रिलेटेड फॉर्मूला। बैठो। हाँ जी, बैठ जाओ। फिर से बोलिए, राइट? किस लिए लिखा था मैंने मिरर, ताकि आपको याद रह जाए कौन सा फॉर्मूला लगाना है। आप फिर वही गलती कर रहे हैं, दिस चाइल्ड, इधर ध्यान दो। अब मिरर है ये, लेंस नहीं है, आप फॉर्मूला कुछ और बोल रहे थे बेटा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आपको स्टेटमेंट दी गई हो, सबसे पहले सेपरेट आउट करके लिख लीजिए कि दिया क्या गया है, मिरर है कि लेंस है। तो अगर हम पहले सेफ में गलती कर देंगे तो रह क्या गया, कुछ भी नहीं। वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, एंड वन बाई वी इट इज वन बाई एफ माइनस वन बाई यू हुआ। वी इंटेंड टू कैलकुलेट वी एंड इट इज एफ इंटू यू यू माइनस एफ। उल्टा कर दे रिलेशनशिप को, दिस इज इक्वल टू एफ इंटू यू अपॉन यू माइनस एफ। इमीडिएटली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड गो फॉरवर्ड विद द आंसर। सारे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, कोई भी ऐसे बैठेगा नहीं। Your calculation should not only be correct, but it should be also fast. नहीं बेटे ऐसे नहीं बताना, पूरा बताइए कितना आ रहा है भाई। वही नहीं बोलिए, सीधा बोलिए कितना है। डेसिमल में आता है तो डेसिमल में बता दो, नहीं आता तो वो बता दो। आई डोंट थिंक कि फ्रैक्शन में नहीं आएगा ये, ये स्टेटमेंट देख के ही लग रहा है कि फ्रैक्शन में नहीं आएगा। चेक इट आउट लास्ट। हाँ जी, क्या मैंने पूछा है कुछ बेटे, कितना जवाब आएगा इसका, आंसर कितना आएगा, हाउ मच?
बेटे जल्दी करो, फिर करके देखो, नहीं किया तो बैठो ना, फिर जल्दी से कंप्लीट करिए कैलकुलेशन वर्क। मैं ना 54, बाकी स्टूडेंट्स भी चेक करो, इज इट 54 और नॉट, पॉजिटिव नेगेटिव की कुछ और। बी इज टर्निंग आउट टू बी 54 सेंटीमीटर, जैसा आपने बोला मैंने लिख दिया, पॉजिटिव आ रहा है ये। व्हाट डज इट इंडिकेट? इमेज फॉर्म्ड इज ऑन द यस 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 गुड 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 एंड व्हाट अबाउट मैग्निफिकेशन नाउ? बेटे ऐसे मत कर भाई, बच्चे देख ले, सॉल्व करके ऐसे बैठोगे तो काम कैसे करोगे? कर लिया है, चलिए फिर मैग्निफिकेशन निकालिए, एम निकालिए। एम का फॉर्मूला मिरर में H2 by एंड फर्दर इट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू के प्लस वी बाई यू, प्लस के माइनस की बात है। अब ठीक है फिर, माइनस वी बाई यू और ये आपका एच टू बाई एच वन के बराबर भी हुआ करता है मैग्निफिकेशन, सो एच टू बाई एच वन विल बी माइनस वी बाई यू। यू नीड टू कैलकुलेट एच टू बेटा, इट इज माइनस वी बाई यू इन टू एच वन। जल्दी से वैल्यूज पुट कर दीजिए, सब कुछ आपके पास है। इट इज प्लस के माइनस, देख लो बच्चों प्लस आ रहा है सच में। बी आपका पॉजिटिव है, नहीं नहीं वो छोड़ दीजिए आप, मैं इधर बात कर रहा हूँ कि वी आपका पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है जी। इसका मतलब है कि इमेज बना कैसा? बिहाइंड द मिरर तो है ही है, वर्चुअल है, रियल है कि कुछ और है? एच टू आप कितना कह रहे थे बेटा? 1.4 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसी डेटा के साथ डायग्राम, रादर रे डायग्राम बनाना चाहे तो आर बी एबल टू ड्रॉ द रे डायग्राम और नॉट? है नो, कौन कह रहा है? ये गुड़िया सी ऑलवेज सेज नो। कल आपसे यहाँ पे बनवाएंगे डायग्राम, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कल अपनी सारी डायग्राम रे डायग्राम अच्छे से तैयारी करके आना, राइट? कोई बात नहीं, कल क्लास नहीं है तो जब लगेगी आपको यहाँ से एक डायग्राम आपसे बनवाएंगे जरूर, अभी नहीं बनवाना। ऑल ऑफ यू बेटा, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन नाउ कि कैसे रे डायग्राम ड्रॉ किया जा सकता है। आपके पास बी है, यू है, इमेज का साइज है, ऑब्जेक्ट का साइज आपके पास है, मिरर दिया हुआ है कि लेंस, तो वी विल हैव टू ड्रॉ इट इन दिस मैनर। दिस इज योर कंकेव मिरर एंड इस लाइन को आप क्या बोला करते थे? एंड दिस पॉइंट एंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए। अब फोकल लेंथ आपको 18 दी हुई है, राइट? दिस डिस्टेंस इज गिवन टू बी बेटा 18 सेंटीमीटर। यू कितना था आपका बेटा? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बच्चों एक, हाँ जी बोलो, क्या डाउट है बताओ? पहले ऐसे करो, ये बेटे एक मिनट देख लो, शायद डाउट आपका साथ क्लियर हो ही जाए। आपका जो ऑब्जेक्ट है ये बेटे फोकल लेंथ F और 2F कवर कर दें तो 36 हो जाएगा, इट इज इन बिटवीन F एंड 2F है, यहां रखा हुआ है आपने, यही है ना? पक्की बात है, राइट? ये रे आपका ऐसे मूव करा गया और
फोकस में से रिफ्लेक्शन के बाद ये पास कर जाएगा बेटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको कहना चाहता था, आप जब अपना ऑब्जेक्ट एफ और टू एफ के बीच में रखते हो, राइट, और मिरर आपका कंकेव होता है, तो सी की इमेज आपका किधर बनाता है? इमेज आपका एच टू पॉजिटिव आ रहा है ना आपका, आपने कैलकुलेट किया ठीक से किया, बी आपका पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव तो तब आएगा जब आपका इमेज इधर बनेगा, इमेज इधर तब बनेगा जब आपका ऑब्जेक्ट इस रेंज में होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं। फिर देखो आपने सॉल्व क्या किया, फिर आप लोगों ने, दिस इज द पॉइंट, इतनी थोड़ी है, बोलिए बोलिए। बी आपका पक्का पॉजिटिव आ रहा है, रीचेक किया आपने, इसका मतलब यह है कि हम अभी कॉन्फिडेंट नहीं है कैलकुलेशंस में। फिर गलती तो गलती है ना। आइए एक बार बेटे, लेट मी ट्राई बेटा, प्लीज लिसन ऑल ऑफ यू, कंसंट्रेट, ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं है जी। मैं बेटे वही करने जा रहा हूँ, कैलकुलेशन ही करने जा रहा था मैं डायरेक्टली, पहले इसीलिए नहीं करना चाहता था, बिकॉज आई इंटेंडेड टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट कि ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और देखिए अब ध्यान से, वन बाई वी, एक मिनट पुत्र, एक मिनट वेट कर दीजिए, वन बाई वी प्लस वन बाई यू, वन बाई एफ है, एंड वन बाई वी आपका वन बाई एफ माइनस वन बाई यू है, ऐसा है। एक मिनट, थोड़ी शांति रखिएगा, नहीं शांति रखनी पड़ेगी। एंड एफ आपका 18, राइट, यू कितना है? ठीक हो गया जी, ये आ गया। बच्चों बच्चों प्लीज कुछ ही ध्यान दीजिएगा, एक बार ये माइनस इनटू माइनस प्लस हो गया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बच्चों रुक जाओ, ये 9 आ गया, ये साइन आपने मिस किया है ना, तो देखो एक छोटा सा साइन मिस करने की वजह से हम कहां से कहां पहुंच गए, छोटी मोटी गलती हमें बहुत आगे ले गई, राइट। सो बेटे मैंने आपको ये नहीं कहा कभी भी कि आप इतनी ज्यादा तेजी से काम करें कि गलती ही हो जाए, ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ व्हेन यू आर सिटिंग फॉर द एग्जाम और जस्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स बेटा, ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो सके, राइट। अब इसका मतलब है ये भी नेगेटिव हो गया फिर, राइट जी। अब मैं डायग्राम बना दूं, बना देना चाहिए ना। चलिए मैं इस बार ये कंसीडर कर रहा हूं जो हमने कभी नहीं की, एंड इट इज गोइंग लाइक दिस, एंड हियर इज योर इमेज फॉर्म, बियॉन्ड सी हो गया, दैट्स ऑल। तो नेचर क्या बना इमेज का? रियल इनवर्टेड, हाँ, ऑफ दी सेम, कैसे, ये इतना है और ये इतना है, अच्छा साइड 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 साइड, राइट। ओ ये बेटे इस तरीके से आपने सॉल्व करना है, तो नहीं ये तो हम अपने लिए कर रहे थे, इसकी जरूरत नहीं होती, ये तो सिर्फ हम अपनी चीजों को अपने डेटा को क्रॉस चेक करने के लिए सारा कुछ कर रहे थे, राइट। चलिए आगे चलें,
we have क्वेश्चन नंबर 14 हमने कर लिया था कल बेटा, 13 भी कर लिया था, 12 भी, 11 भी, 10 भी हो गया था, 9 भी कल किया था हमने, मैं दोबारा करवा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 जरा सुनिएगा। वन हाफ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस द कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? The answer is yes. It will produce the complete image of the object. Verify your answer experimentally. Experimentally lab में कर पाएंगे आपको, otherwise theoretical. Explain your observation. जी कुछ नहीं बंद हो ना, अब आप ध्यान दीजिएगा। Ninth question है बेटा, मैं diagram, ray diagram draw कर देता हूँ। ये आपका कन्वेक्स लेंस बेटा, ये आपकी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला पार्ट आपने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, ब्लैक पेपर विल नॉट अलाउ द रेज ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट। कहीं पे भी आप अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर लीजिए, ये आपका ऑब्जेक्ट ए बी है, ये रे ऐसे चला गया, मान लीजिए फोकस यहां पे है, इट विल पास थ्रू द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवा दीजिए, तो दोनों यहां पे एक्चुअल में मीट कर रहे हैं। नहीं भाई इंफिनिटी पे नहीं, यहां मिल गए हैं, मैंने एफ टू एफ लिखा नहीं है, बन गया इमेज आपका, ये सिर्फ यही शो करना था। आप बेटे बनाओ, एफ पी बनाओ, टू एफ पी बनाओ, इमेज भी बनाओ, सब करो, डोंट वरी, और इंडिकेट कर दो कि इमेज विल बी फॉर्म, बट बिकॉज ओवर हियर वी आर कवरिंग वन हाफ ऑफ द लेंस विद द ब्लैक पेपर, आपका जो इंटेंसिटी है इमेज का that will be reduced to one half of its previous value. That is, image will not be of such a brightness which we will obtain otherwise when we will be uncovering this part of the lens. Right? चले आगे अब, ये छोटे छोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, इनको भी जरा देख लीजिएगा। नेम द टाइप ऑफ द मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, पहला है हेडलाइट्स ऑफ द कार्स, कंकेव मिरर, बी पार्ट है साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल्स, व्हाई डू वी यूज द कन्वेक्स मिरर फॉर द रियर व्यू, स्टैंड अप, इट इज नो, साइड व्यू मैग्निफाई नहीं करता आपको कुछ भी, वाइड वाइड वाइड, तो फिर वो मैग्निफाई मत कहिए आप, आपको कहना चाहिए दैट हैज गॉट वेरी वाइड फील्ड ऑफ व्यू, राइट, बिकॉज द कन्वेक्स मिरर हैज वाइड फील्ड ऑफ व्यू, दैट्स व्हाई वी प्रेफर दिस मिरर फॉर द ड्राइवर्स मिरर और एज द रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। तीसरा पार्ट है सोलर फर्नेस, कंकेव मिरर, राइट, फोटो बना देता हूं, देखो जरा, ये आपका कंकेव मिरर, और ध्यान से देखिएगा बच्चों, देखो बातें थोड़ी वाइड करिएगा, ये स्टैंड है आपका, बहुत बड़ा मिरर एक आपने बना रखा है, ये कहीं बहुत दूर सन है इसीलिए पॉइंट साइज बनाया है, ये रेज आ रही हैं एंड
पैरेलल आ रही हैं, यहीं कहीं फोकस भी होगा इसका, फोकस पे मीट कर जाएंगी। बच्चों एक मिनट, गुड़िया एक मिनट रुकिए जरा, ये यहां पे आपने एक बेटे हॉट रेजरवायर प्लेस कर रखा है, पानी का रेजरवायर है या जो भी चीज आप गर्म करना चाहते हो आपने फोकस पे प्लेस कर दी है। दिस भी टर्म है सोलर फर्नेस कहते हैं इसको। सोलर कुकर के केस में आपका मिरर बहुत बड़े साइज का नहीं होगा, इट विल बी ऑफ अप्रोप्रिएट साइज, और सेंटर पे आपने वो चीज प्लेस कर देनी जिस फूड आइटम को आप कुक करना चाहते हो, कुकिंग हो जाएगी। एंड कीप वन थिंग इन माइंड, इसमें आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जो आपकी फूड आइटम्स बनती हैं वो नहीं बना पाओगे, और जैसे रोस्टिंग वगैरह है, राइस वगैरह जो है उनको आप कर सकते हो, चपातीज बनाना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा या कोई और इस टाइप का काम आप नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, आग लग जाएगी। राइट बेटे, चलिए आगे। हाँ जी, हाँ जी, ध्यान दीजिएगा जरा, कंप्लीट कर लें एक्सरसाइज को कंप्लीटली। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द कंकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कंकेव मिरर है, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, हम उसके साथ इरेक्ट इमेज बनाना चाहते हैं। पहले तो आप बता दीजिए उसका कोई भी आगे स्टेटमेंट पढ़ने से पहले कि आप कहाँ रखोगे ऑब्जेक्ट को, डिस्टेंस कितना होगा पोल से उसका। फोकल लेंथ इज गिवन टू बी 15 सेंटीमीटर एट वन, आप जीरो से लेकर 15 तक कहीं भी रख सकते हो, समझ आई बात। गुड, देन उन्होंने पूछा भी यही है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो आप जीरो से लेकर 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ तक 14.9999 कर दो, राइट। वट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इट विल बी वर्चुअल इरेक्ट एंड गुड। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर। ड्रॉ द रे डायग्राम, ये आपको आता ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। प्रॉब्लम नंबर 6, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 6, आइए देखें, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, सोचिएगा। एट सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग द स्मॉल लेटर्स फाउंड इन ए डिक्शनरी। अरे उसको फोकल लेंथ तो मुझे लिखने दो, आप पहले ही जवाब दे देते हो, उन्होंने इंटेलिजेंट तो सारे ही हैं ही हैं। अब आप देखो ध्यान से, ये कन्वेक्स लेंस है और इसका फोकल लेंथ है बच्चों 50 सेंटीमीटर का, एक कंकेव है दिया हुआ, इसका फोकल लेंथ भी 50 सेंटीमीटर का है। आगे अगेन कन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर का है, देन कंकेव है, इसका भी 5 सेंटीमीटर है, बताइए कौन सा है? क्यों? एक्सप्लेन योर आंसर, वाई सी वाई नॉट ए। हाँ जी गुड़िया, एक्सप्लेन एर जस्टिफाई योर आंसर, वाई सी वाई नॉट ए। चलो कोई बात नहीं, आप ना समझाओ वैसे ही बता दो क्यों है, बैठिए। गुड, आप
वाई सी वाई नॉट ए? हाँ तो ज्यादा है तो अच्छी बात है, तो फिर ये यूज कर लो। ये क्यों कर रहे हो आप? बैठिए बेबीता, कोई बात नहीं, पूछेंगे। ओके, रीजन पता है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स नाइस। आप क्वेश्चन बेटे, आपको ना डिक्शनरी, लिसन लिसन लिसन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप पढ़ रहे हो घर पे बैठ के। लेटर्स उसमें बहुत छोटे छोटे होते हैं, आप उनको बड़ा करके देखना चाहते हो। आपके पास ये स्पेसिफिकेशन के लेंसेज अवेलेबल हैं, आप कौन सा यूज करोगे और क्यों? कौन से वाला? क्यों? उससे क्या होगा? आपको कैसे पता? एक मिनट, फोकल लेंथ अगर कम होगा तो मैग्नीफाई कैसे होगी इमेज? नहीं, रे डायग्राम की बात मत करो आप, वो तो आप कोई भी लेंस यूज करोगे तो मैग्निफिकेशन तो हर एक में मिलेगी मिलेगी। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप ये यूज कर लोगे मैग्निफिकेशन तो इसमें भी होगी, तो वाई दिस वन? अरे बैठिए बैठिए बेटे बैठिए। हाँ जी मित्र, इसमें बी में कि ए में? ये तो खत्म हो गई ना, ये तो कंटिन्यू यूज ही नहीं करेंगे। ए और सी? हाँ बैठिए बेटा, सिंपल बात है डियर चिल्ड्रन, जहां तक आप लोग बता रहे हो, आप काफी ठीक बता रहे हो, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है तो इमेज भी काफी ज्यादा दूर बनेगा, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, आई थिंक मैग्निफिकेशन का हमने फॉर्मूला किया था, उसमें एफ कहीं आया था आपका, जब हमने यू और बी को एलिमिनेट करके यू और एफ की टर्म्स में या बी और एफ की टर्म्स में किया था, जरा चेक करिएगा तो क्या था उसमें? एफ डिनोमिनेटर में था, जरा चेक कर लो। आई होप सो इट विल बी इन द डिनोमिनेटर। नहीं बेटे चेक करके बताओ, ऐसे मत ही ऐसे कह दो ना, एफ इज इन द डिनोमिनेटर, एग्जैक्ट फॉर्मूला बोलना, यू प्लस एफ बाई एफ, और बी वाला भी बोलिएगा जरा, एफ माइनस वी बाई एफ। इट मीन बेटा, डियर चिल्ड्रन ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ पर इनवर्सली डिपेंडेंट है ना? इसका मतलब है अगर फोकल लेंथ कम होगी मैग्निफिकेशन भी आपकी बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन। और दूसरी बात, क्योंकि डिक्शनरी हम ऐसे तो है नहीं कि दरवाजे के पास रखते हैं और यहाँ खुद बैठ के पढ़े, ऐसा तो नहीं करना, हमने पास ही रखना है ना बेटा, सो दैट्स वाई इट शुड बी सी एंड शुड नॉट बी ए बेटा। सारे बच्चों को समझ आ गया पुत्र? अच्छे से? ओके okay. नहीं आया बताइए। जब यू से निकालते हो फॉर्मूला बोलिएगा मैग्निफिकेशन का, एफ अपॉन एफ प्लस यू, और बी वाला बोलिएगा एफ माइनस बी बाई एफ बिटे। तो चाहे आप इसको देख लीजिए चाहे इसको देख लीजिए, अब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो तो जो है वो रहेगा ही रहेगा, है ना बेटा? तो आपका ये इनवर्सली इस चीज पे डिपेंडेंट है, नो डाउट डायरेक्ट डिपेंडेंस भी है, लेकिन जब आपका डिनोमिनेटर जो है वो कम हो गया तो अकॉर्डिंगली मैग्निफिकेशन अफेक्ट होने वाली है। दूसरा पॉइंट माइंड में ये रखिएगा कि आप डिक्शनरी को बिल्कुल नजदीक रख के पढ़ते हो, ज्यादा दूर रख के नहीं पढ़ते हो। क्लियर बेटे? दोनों चीजों को, अपने दोनों फैक्टर्स को माइंड में रखिएगा, देन आपको कोई भी डाउट नहीं लगेगा। राइट जी? प्रॉब्लम नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव ध्यान दीजिएगा। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, योर इमेज अपियर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी ओनली प्लेन, ओनली कंकेव,
only convex, either plane or convex, either plane or convex होना चाहिए, erect ही बनेगा, दोनों cases आपने discuss कर रखे हैं already. Question number four. Question number four. It says a spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length of -15 cm. Lens का भी -15 है, mirror का भी -15 है. The mirror and the lens are likely to be both concave, both convex, and mirror concave, lens convex. Mirror convex, lens concave. Negative दोनों focal length हैं दी हुई आपको. कौन से मिरर की नेगेटिव होती है कंकेव की, कौन से लेंस की नेगेटिव होती है? नहीं, तो मिरर भी कंकेव एंड हाँ जी ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर टू, प्रॉब्लम नंबर टू ध्यान दीजिएगा खुशी. Where should an object be placed in front of a convex lens? एक मिनट. चलिए बेटा लास्ट पॉइंट है छोटा सा, आप इसको कंप्लीट कर लेना. सो ये बुक ले जाइए किसकी है. थैंक यू ऑल बेटा.